हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प की प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है आंध्र प्रदेश से। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन कमेटी रिक्वायरमेंट 2018 के तरफ से है। यानी इसमें जो भर्ती होगी वो टीचर पोस्ट के लिए भर्ती होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ कि आंध्र प्रदेश में कुल जो सीटें हैं टीचर के लिए वो 7729 सीटें इसमें दी गई है। तो ये एक बम्पर भर्ती है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो इसकी फ्रेंड्स है वो है 15 नवंबर 2018। यानी 15 नवंबर 2018 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इसके लिए अप्लाई डेट स्टार्ट है 1 नवंबर 2018 से। तो इसमें जो कुल वैकेंसी है वो 7729 वैकेंसी है और आप इसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्टार्ट डेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया 1 नवंबर 2018 से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी जो हेल्प डेस्क सर्विस दी गई है वो 1 नवंबर से 12/11/2018 तक है। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड इसमें सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर की। सॉरी फ्रेंड, यहाँ 12 दिसंबर तक होगा। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर की। 19/11 से 24/11/2018 तक एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेट की, तो इसका जो डेट है वो 17 नवंबर 2018 है। और बात करें हॉल टिकट डाउनलोड की, तो हॉल टिकट डाउनलोड का डेट 29 दिसंबर 2018 से आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें स्कूल असिस्टेंट नॉन लैंग्वेज एग्ज़ाम डेट की, तो इसका एग्ज़ाम 6/12 और 10/12/2018 को होगा। बात करें स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड वो 11 दिसंबर 2018 होगा। तो बात कर लेते हैं डेट ऑफ पीजीटी एग्ज़ाम की, तो पीजीटी एग्ज़ाम डेट जो है वो 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को होगा 2018 में। और बात करें पीईटी म्यूज़िक क्राफ्ट आर्ट और ड्राइंग एग्ज़ाम डेट की, तो इन सब का एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2018 को हो जाएगा। बात करें लैंग्वेज पंडित एग्ज़ाम डेट की, तो इसका एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2018 को हो जाएगा। और एसजीटी एग्ज़ाम डेट का जो डेट है वो 28 दिसंबर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक है। बात कर लेते हैं टीजीटी और प्रिंसिपल एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर और 26 दिसंबर 2018 को होगा। तो बात कर लेते हैं एज की, तो एज जो है फ्रेंड इसमें 18 से 44 वर्ष दिया गया है, जो कि 1/7/2018 को फुलफिल होना चाहिए। और बात करें फ़ीस की, तो फीस जो कैंडिडेट से लिया जाएगा वो 500 रुपीज़ होगा। बात करें पेमेंट मोड की, तो पेमेंट मोड ऑनलाइन है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन जिसमें मांगा जा रहा है फ्रेंड वो SSC 10+2 ग्रेजुएशन, BEd और BPED, MPED, DED और DEIED, ये अलग अलग वैकेंसी टाइप्स के ये क्वालिफ़िकेशन अलग अलग होंगे। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट डेट जो है वो स्कूल असिस्टेंट का 20 दिसंबर 2018 को आ जाएगा, जबकि PGT रिजल्ट डेट जो दिया गया है वो 22 दिसंबर 2018 है। और PET म्यूज़िक क्राफ्ट ड्राइंग का जो रिजल्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2018 को आ जाएगा। और TGT प्रिंसिपल का डेट जो है एग्ज़ाम डेट सॉरी रिजल्ट डेट जो है वो 4 जनवरी 2019 को आ जाएगा, जबकि लैंग्वेज पंडित का 5 जनवरी 2019 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। SGT एग्ज़ाम डेट का जो रिजल्ट होगा वो 12 जनवरी 2019 को आ जाएगा। तो एक बात मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट जो इसका बनेगा वो रिजल्ट डेट के ठीक 2 दिन बाद बनेगा, और इसकी जो फाइनल की तैयार की जाएगी इसके ठीक 2 दिन पहले की जाएगी, रिजल्ट डेट के 2 दिन पहले, और मेरिट लिस्ट रिजल्ट डेट के 2 दिन बाद बनेगी। तो बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो वैकेंसी डिटेल स्कूल एजुकेशन के लिए SGT के लिए 3,666 पोस्ट है, स्कूल असिस्टेंट के लिए 1,625 पोस्ट है, लैंग्वेज पंडित के लिए 452 पोस्ट है, PET के लिए 419 पोस्ट है, और म्यूज़िक के लिए 64 पोस्ट है, क्राफ्ट के लिए 13 पोस्ट और आर्ट के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो इसमें TGT के लिए 715 सीटें खाली है, जबकि PGT के लिए 583 सीट खाली है, और प्रिंसिपल के लिए 89 सीट दी गई है। तो बात करें PET के लिए तो 57 पोस्ट, और क्राफ्ट के लिए 12 पोस्ट, आर्ट के लिए 20 पोस्ट और म्यूज़िक के लिए 12 पोस्ट दी गई है।
तो इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना बेहद ही आसान है दोस्तों। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और इसके लिए आपको ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इसके बारे में जान सके। तो चलिए फिर, आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, बिल्कुल इस तरह से इसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फिर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।